आप सबको आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने भी तैयारी शुरू कर दी होगी, तो आज मैं कुछ लेकर आई हूँ कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही सुंदर जो है दिए बना सकते हैं, जो कि हैं जेली वैक्स और पैराफिन वैक्स से। डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये दिए बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं, और अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिश्तेदारों को एज ए गिफ्ट आप वो दे सकते हैं। तो बस फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम वो कैसे बनाएंगे। तो दिवाली का जो प्लेटर है उसको बनाने के लिए हमें वैक्स चाहिए सबसे पहले मेन। उसके लिए एक तो हमें स्मोकलेस पैराफिन वैक्स चाहिए। ये जो मैंने लिया मार्केट में छोटे छोटे दानों में मिल रही है, ये हमें मतलब एक ब्रिक के रूप में भी आपको मिल सकती है, या मार्केट जाएंगे तो डिपेंड्स कि आपको कौन सी वैक्स मिलती है। और साथ में ये है जेली वैक्स, तो ये भी ऐसे आपको एक किलो के उसमें पैकेट में मिलती है। तो आप पहले इनको बाय कर लीजिए। और इनमें कलर्स डालने के लिए आपने जिस कलर को यूज़ करना है, वैसे तो मार्केट में वैक्स के अलग से कलर्स मिलते हैं पाउडर फॉर्म में, लेकिन आप क्रेयॉन्स, जो बच्चों के क्रेयॉन कलर्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मिलाकर जो है उसको जो कलर आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, तो मैंने ये ऑरेंज कलर जो है इसको लिया हुआ है। और कोई भी आपके पास सीक्वेंस, कोई बीड्स, कुछ भी सजाने के लिए, कुछ भी आपके घर में पड़ा है या फिर मार्केट से लेकर आए, जैसे मेरे पास ये पड़े हुए सीक्वेंस और ये जो चमकी होती है ना ग्लिटर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन ग्लिटर है, मैं सब कुछ गोल्डन और येलो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गोल्डन और येलो जो कलर है ना वो दिवाली का कलर है। तो बस, और फिर मार्केट में ये हमें इसके परफ्यूम भी मिलते हैं कि आप जो थोड़ा सा वैक्स में डाल दें तो जब ये कैंडल्स जलती है ना तो उसमें स्मेल आती है। अगर ये नहीं है तो आप अपना कोई परफ्यूम आपके घर में पड़ा हुआ है, आप उसके भी कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हैं। और मेन चीज़ जो विक है, जो जलती है, उसका एक थ्रेड होता है, थोड़ा थिक होता है, ये अलग से मिलता है, इस थ्रेड को आपको लेना पड़ेगा। और साथ में ये विक जिसमें डलती है, इसके पैकेट्स भी मिलते हैं। ये छोटा पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने अगर बहुत सारी कैंडल्स बनानी है तो ये बड़े पैकेट्स में भी आता है, तो आपको ये जो विक है ये भी लेनी पड़ेगी। तो बस ये सारा सामान है जो हमें चाहिए, तो आप ये सामान इकट्ठा करिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे डिफरेंट डिफरेंट हम कैंडल्स बना सकते हैं। सबसे पहले ना हम विक बनाएंगे। विक क्या होता है कि नॉर्मल थ्रेड होता है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी पैराफिन वैक्स की ना कोटिंग करनी होती है। तो मैं ये थोड़े से पैराफिन वैक्स को मेल्ट करने जा रही हूँ। आप इसको स्लो गैस पर मेल्ट करिए, या फिर आप डबल बॉयलर जिसे कहते हैं, नीचे एक पैन में पानी रखिए और उसके ऊपर छोटा पैन रखकर आप उसमें करिए, क्योंकि क्या होता है, और थोड़ा डीप पैन लीजिए। कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत तेज गैस पर वैक्स को गर्म करते हैं ना तो आग लगने का भी डर होता है। तो वैसे तो बड़े आराम से ये जो है कि मेल्ट होनी शुरू हो गई है, बिल्कुल स्लो गैस पे मैंने इसको रखा हुआ है। जैसे ही मेल्ट होगी तो आप खूब सारी विक को इकट्ठा जो है ना इसमें डिप करके और निकाल दें, और वो जो है आपकी प्रॉपर विक बन जाएगी। अब ये देखिए, जैसे ही वैक्स मेल्ट हो जाए आप इसको बंद कर दो और जो थोड़े बहुत क्रिस्टल्स है ना वो अपने आप ही हो जाएंगे। और अब ये मैंने विक को है ना इसको काट लिया है, जितनी आपको चाहिए आप थोड़ा आइडिया ले लीजिए और जस्ट इसको इसमें डिप कर दीजिए, और अच्छे से ये डिप हो जाए। जब मेन हमारा पर्पज है कि विक में भी वैक्स लग जाए, और इसको अब मैं बस निकाल कर मैंने एक प्लेट में बटर पेपर लगा दिया है, और मैं अब उसको इसको उस पर निकाल रही हूं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप स्टील की किसी प्लेट में भी इसको निकाल सकते हैं, और इसको हम फैला देंगे और ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर हमको जितनी लेंथ चाहिए हम उसको काट सकते हैं। अब जो है मैंने हाफ के जी के करीब ये जेल वैक्स ले लिया है, और इसको मैं अब जो है ना स्लो गैस पर ही मेल्ट करूंगी। और मैं मोस्टली सारा इसमें जो कलर है ना येलो कलर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सारा गोल्डन थीम है मेरा। तो ये बस उसको भी स्लो गैस पर ही आपने इसको मेल्ट करना है। तो ये पूरे ग्लासेस और उस सब के लिए मुझे चाहिए, तो बस मैं अब इसको मैंने इसको मेल्ट होने रख दिया। और मैं इसमें कलर भी ऐड ऑन कर रही हूँ जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मैं पहले थोड़ा ही डालूंगी, जिससे कि आप मतलब अपना आइडिया लगा सकते हैं आपको कितना कलर चाहिए। तो ये मैंने पिंच भर डाला है अभी येलो कलर। अभी काफी पिघल गई है, मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि इतनी हॉट है कि जो उसमें थोड़े बहुत अभी पीसेस रह भी गए हैं ना, तो मैं इनको स्टर करती रहूंगी तो वो भी इसमें मेल्ट हो जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, दिखा रही हूँ कि कैसे हम अभी
वैक्स हमारी गर्म है, जो थोड़ा सा इसको आप रोटेट करिए कि जिससे उसकी एक्स्ट्रा हीट है ना वो थोड़ी सी निकल जाए। और अब कैसे ग्लास के अंदर मैंने ग्लिटर वाला ग्लास बनाया है, मैं सबसे पहले आपको वो दिखाने जा रही हूँ। तो ये मैंने ग्लास ले लिया और इसके अंदर मैं ये गर्म वैक्स जो है इसको डाल रही हूँ और इसको मैं रोटेट करूंगी कि जिससे इसके अंदर सारा जो है अंदर वैक्स लग जाए अच्छे से। बी केयरफुल विद योर हैंड्स, बस थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके हाथों में ना आ जाए गर्म वैक्स। पर वैसे इजी होता है ये काफ़ी करना, ये तो आजकल बच्चे भी जो है ना वो भी ये सब बना रहे हैं। तो जहाँ पे अगर आपको कम लग रही है आप और डालिए और इसको फिर से रोटेट करते जाओ कि पूरी जो है वैक्स से कोटिंग हो जाए। गर्म वैक्स से ही करना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो फिर ये जो है चिपक जाती है इधर उधर और सही से उसकी फिनिश नहीं आती है। और उसके बाद इसको हम ऐसे लटका देंगे जिससे कि फालतू की एक्स्ट्रा जितनी है ना दैट विल ड्रेन आउट। अब जैसे पूरी कोटिंग हो गई है, अभी भी गर्म है ये। अब मेरे पास ये ग्लिटर पाउडर है तो मैं बस इसके अंदर ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ जो इसका इफेक्ट बाहर से हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये मैं सारा इसके ऊपर अंदर ऐसे स्प्रिंकल करके इसको फिनिश दे रही हूँ। और फिर इसको ठंडा होने के लिए ना हम रख देंगे कि बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब फिर हम आगे इसका जो है प्रोसेस करेंगे, हमने फिर जो करना है। ये देखिए ये पूरा ग्लिटर, देखा आप, ये पूरा ग्लिटर से हमारा ग्लास कितना अच्छा फिनिश हो गया है। अब मैं दूसरे ग्लास में जो हमने क्यूब्स डाले हुए हैं उसके लिए बता रही हूँ आपको कि हमको कैसे करना है। वही गर्म जो वैक्स है ना उसको मैं प्लेट्स में सेट कर रही हूँ। थोड़ी जिसके किनारे हो ना वो वाली कोई प्लेट या कोई डिश कुछ भी ले लीजिए, तो थोड़ा सा उससे क्या होगा कि डेप्थ आ जाएगी और फिर हम जब क्यूब्स काटेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। और बाकी ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, ये हमें पतली लेयर ही चाहिए, ये हम फ्लावर्स बना के जो हम ग्लासेस के ऊपर लगाएंगे ना ये उसके लिए है। हमारी वीक देखिए कितनी एकदम स्टिफनेस में आ गई है। अब आपको जिस चीज में डालना है, आपने दिए में डालना है, आपने किसी बड़े ग्लास में बनाना है, आपको उसका साइज लेकर और ऊपर से ना आप 2 इंच फालतू जरूर ले लीजिए, क्योंकि जब हम विक को सेट करते हैं ना तो उसे हमें टर्न करके उसको थोड़ी देर सपोर्ट देना होता है। तो बस मैं आपको बनानी दिखाती हूँ। ये हमारे पास बटन्स हैं, इस बटन में आपको विक को डालना है और जितनी आपको चाहिए लेंथ, अब सपोजिंगली मुझे इतनी चाहिए। और उसके बाद घर में संसी तो होती है, सबके पास टोंग्स होती हैं या आपके पास प्लास है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और इधर से इसको आपको यू हैव टू प्रेस इट। वैसे मार्केट में बनी हुई विक्स भी मिल जाती हैं पर मैं आपको बिल्कुल बनाना दिखा रही हूँ। इसको आपको यहाँ से प्रेस करना है जोर से और ये विक जो है इसमें सेट हो जाती है बिल्कुल टाइट। और एक्स्ट्रा जो है आप पीछे से इसको बस फिर काट दीजिए तो आपका ये विक जो है दैट इज रेडी। अब ये वैक्स ना मेरी थोड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने इसको दोबारा से वार्म करके मेल्ट कर लिया है। अब मैं आपको ग्लास जो हमने ये बनाया था ना इसका मैं बेस बता रही हूँ कि बेस भी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने जा रहे हैं। तो बस आप इसको ग्लास को ऐसे पकड़िए और एक गरम वैक्स को इसके बेस पर भी ऐसे पोर करना है और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा कुछ ग्लिटर या जो भी आपके पास है सीक्वेंस है वो आप इस पर लगा सकते हैं। और आप ये टेंशन मत लीजिए कि इसके नीचे भी लग रहा है, क्योंकि जेल वैक्स इतनी ईजिली उतर जाती है ना आराम से पील ऑफ, अगर एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं लग भी जाए तो हम उसको आराम से बाद में उतार सकते हैं। बस आप इसको इसी तरह दोनों ग्लासेस को ऐसे ही मैं कर लूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ उसके ऊपर एक्स्ट्रा सारी जब वैक्स उतर जाए तो बस फिर जो ये ग्लिटर है हमारे पास इसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये इस गरम के ऊपर ही चिपक जाएंगे और ये बहुत ही सुंदर बन जाएगा। जैसे ये ग्लासेस अब हमारे हो गए हैं तो मैं इनको बस फिनिश करने लगी हूँ। क्या होता है कि नीचे भी कई बार वैक्स चली जाती है, एक बार आप इसको चाकू को ऐसे घुमा देंगे ना तो उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा है वो आप आराम से इसको ऐसे उतार सकते हैं नीचे से, फिर ग्लासेस बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। जैसे मैंने बेस बिल्कुल क्लीन कर दिया, बिल्कुल ये हो गया रेडी। अब इन पर मैं 2-3 जो है ना रोजेज लगाने जा रही हूँ। अब जो हमने प्लेट में
ये जो करा था ना पतले वाला डाला था, इसको अब हम काटेंगे और इसे रोजीज बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। एक नाइफ से आप पतली पतली स्ट्रिप्स काट लो, और ये जैसे स्ट्रिप कट गई, कुछ नहीं करना आपने, इसको ऐसे आप ले लो और इसको बस रोल करना है आपने, और वो लुक आ जाएगी कि जैसे फ्लावर है। ये देखिए बहुत अच्छी लुक आ जाती है। बस 3-4 बार इसको करो, बहुत होता है इतना फ्लावर, जस्ट ब्रेक इट। और अगर आपको लगे कि आपकी स्ट्रिप ज़्यादा वो है, तो आप नीचे से इसको ना सीजर से काट के फ्लैट कर लीजिए। मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे बनाकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे आपस में, इसका एक्स्ट्रा जो है ना एक बार नीचे से फ्लैट कर लेना है। इस तरह से हम खूब सारे रोजेज बना लेंगे, जितने आपको लगाने हैं। मैं 3 लगाने जा रही हूँ। एक बार मैं और आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रिप को काटा लिया और जस्ट रोल इट विद योर फिंगर। ये देखिए ये छोटे छोटे रोजेज बन जाते हैं। ये मैंने ना 6 रोजेज मैं बनाकर मैंने रख ली है। अब बस ग्लास जो है इस पर आपका मूड है, आपने कहाँ पे कैसे लगाना है। तो बस थोड़ी सी इनको उठाइए आराम से, वैक्स जो गर्म वैक्स है पैन में से हल्का सा उसकी जो बेस है ना उसके टिप पे लगाना है, और ऐसे करके इसको यहाँ पे आप लगाएंगे तो स्टिक ऑन हो जाएगा। वैक्स का यही मज़ा है कि बस जहाँ आपने ज़रा सी गर्म की और ये चिपक जाएगी। मैं आपको एक और दिखाती हूँ करके। तो मैं बस ये 3 रोजेज को ऐसे नीचे लगा रही हूँ, बहुत अच्छा बेस में लगेगा। जब आप रोजेज बनाए ना तो आप बस एक ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि जब हम प्लेट में वैक्स डालते हैं ना तो थोड़े थिक डाल देते हैं, तो जितनी पतली होगी ना उतने अच्छे बनते हैं। और बस ये जैसे ही ठंडे होंगे और ये स्टिक ऑन हो गए। इसी तरह दोनों ग्लासेस पे हम इनको चिपका लेंगे। अब मैं पहले ही ना ये वाला ग्लास आपको फिनिश करके बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ अभी। अब ये क्या है कि बहुत बड़ा ग्लास है, मैं पूरे में तो वैक्स नहीं भरने लगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको 3/4 जो है ना मैं पानी भरने लगी हूँ, और फिर उसके ऊपर जो है वो हम वैक्स मेल्टेड वैक्स डालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अब ठंडा हो गया, अंदर चाहे वैक्स है इसको कुछ नहीं होगा। अब आराम से धीरे धीरे इसमें पानी भरिए, और ये मैंने इतना पानी डाल दिया है, और अब इसके ऊपर जो है मैं वैक्स डालूंगी, वो बिल्कुल हमने धीरे धीरे डालनी है। स्लोली स्लोली आप इसमें हल्के से धीरे धीरे बिल्कुल डालिए, ज्यादा वो मत करिए नहीं तो नीचे ना उसके स्पाइक्स आ जाते हैं। तो अब मैं 1 इंच के करीब इसमें वैक्स डालूंगी पानी के ऊपर। अगर आप ये प्लेन भी ग्लास रखेंगे ना और उसके नीचे आप कोई क्रिस्टल्स डाल दीजिए कुछ भी, वो भी बहुत सुंदर लगता है। मैं लेकिन गोल्डन थीम बनाने जा रही हूँ इसलिए मैंने ग्लास को पूरा कवर कर दिया है। तो हम इसमें 1 इंच थिकनेस तो आप रखिए जरूर, और ये आराम से इसमें हम इसको डालते जाएंगे। अब जब तक ये थोड़ा सा इसकी वैक्स ठंडी हो रही है ना, मैं इसको आराम से जो है ना नीचे रख के अब मैं आपको ये दूसरा ग्लास जो है ना इसके बताती हूँ कि अब हम इसको कैसे बनाएंगे। और हमने अब जो दूसरी प्लेट में थोड़ी थिक जेल वैक्स डाली थी ना, अब ये देखिए बिल्कुल ऐसे जम के रेडी है। इसको ना मैं काट लूंगी छोटे छोटे इसके क्यूब्स, तो ड्रिंक ग्लास में ऐसे लगेगा कि हमने जो जैसे कलर्ड आइस डली हुई है। तो आप इनको लेकर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स इनके ऐसे काट लीजिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं बने हुए। ये देखिए मैं आपको एक और काट के दिखाती हूँ। बहुत बड़े मत लो, थोड़ा सा बस 1/2 इंच के करीब इसको स्ट्रिप काटो, और फिर इनको ऐसे छोटे छोटे इनके। इस पर भी मैं थोड़ा सा पहले नीचे पानी डाल रही हूँ, इसमें ज्यादा नहीं डाल रही, और थोड़े से ये मैं इसमें सीक्वेंस भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये जब अच्छा लगेगा लाइट पड़ती है इनमें तो। और अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं एक लेयर जो है ना गरम वैक्स की डाल रही हूँ।
अब जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना वैक्स, हम अब इसके में विक डाल लेते हैं क्योंकि ये जो है अब रेडी है। तो ये इसमें विक जो है इतनी, आप उसको थोड़ा सा प्रेस करना हल्का सा कि जितनी वैक्स है उतनी जाए, और फिर किसी स्टिक या आपका स्टिक नहीं है तो कोई नाइफ किसी से भी इसको सपोर्ट जरूर देनी है जिससे कि स्ट्रेट जो है ना इसमें टिक जाए। तो बस ऐसे इसको छोड़ दें, और फिर जब ये जब तक जम रहा है आप चाहें तो ऊपर फिर कुछ ग्लिटर या कुछ डाल सकते हैं सीक्वेंस। तो मैं ऐसे ऊपर भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। जो हमने वैक्स डाली थी ना उसको थोड़ा ठंडा होने देना, नहीं तो क्या होगा कि हम जब ऊपर क्यूब्स डालेंगे ना वो उसके अंदर चले जाते हैं। अब जो है मैं इसमें विक जो है वो लगाने लगी हूँ। तो विक को मैंने बड़ा लंबा पूरा प्रॉपर लिया है, थोड़ी सी अभी ऐसे ये वार्म ही है तो बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसमें चली जाएगी ये। और अब जो है इसके साइड्स में जो हमने क्यूब्स काटे थे वो हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे, और ये बहुत ही सुंदर इसका इफेक्ट आएगा। इनको इस तरह डालिए कि जो विक है ना वो छुप जाए, तो इतना आपको इसको जरूर भरना है। ये हमारी कैंडल विद आइस क्यूब्स रेडी है। तो एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको आप कट कर दीजिए, और ऐसे ही इसका भी अब जब आपको लगे ये जम गया है तो इसकी भी जो एक्स्ट्रा विक है मैं उसको कट करने जा रही हूँ। और ये हमारे दोनों ग्लासेस तैयार हैं। आप और भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ आप कोई गोल्डन लेस लगानी है या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं तो वो आप इसके ऊपर लगा के इनको सजा सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कितना सिंपल होता है कैंडल बनाना। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बस छोटे छोटे दिए हैं और एक ही हमारा मटकी है इसको मैं बता देती हूँ, वैसे ही समझिए बनाना है। मटकी में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ नीचे, और ये ब्राउन बीड्स हैं थोड़े वो डाल रही हूँ, थोड़े से वाइट भी हैं मेरे पास तो मैंने सोचा मैं ये भी डाल देती हूँ। वाइट बीड्स फ्लोट करेंगे तो इनको आप ऐसे करेंगे तो आराम से इनका बॉर्डर बन जाता है। किसी तरह भी आप इनको रख सकते हैं, आप चाहें तो इनको बिल्कुल सेट कर सकते हैं टाइम लगाकर। और उधर आपने वैक्स को दोबारा से गर्म कर लीजिए, और बस फिर इसके ऊपर हम वैक्स डालेंगे मैं आपको, और ये रेडी हो जाएगा। और साथ में जो हमारे फ्लावर्स के बचे थे ना चीज़ें, वैक्स बची थी जो हमने जब फ्लावर बनाए थे, तो उसको जो है आप जैसे आपने वो पहले वो काटे हैं मोटे मोटे, इनको आप बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक काट लीजिए। तो अब ये मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया तो सर्कल बन गया है। अब मैं जैसे इस पर ये गर्म वैक्स डालने लगी हूँ, आप किसी भी चीज़ में कोई जार है कोई कुछ है आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको मेन दो ग्लासेस बना के दिखाए हैं, और मैं गोल्डन बना रही हूँ। आप अगर शेल्स हैं आपके पास तो आप ब्लू के साथ बना सकते हैं, उसको सी का इफेक्ट देकर, उसमें बीच इफेक्ट होता है ऐसे ब्लू पानी ब्लू बीड्स ब्लू शेल्स, आप इसको इतना फिल कर दीजिए। और ऐसे ही उसको थोड़ा ठंडा होगा तो फिर इसमें मैं विक डालूँगी। अब मैं आपको दिया बताती हूँ, इसको थोड़ा हम ठंडा होने के रख देते हैं। अब दिए में क्या है कि मैंने वो जो बारीक बारीक काटा था मैं वो सारा लगा रही हूँ, और बीच में ही इसके मैं विक खड़ी कर दूंगी और थोड़ा सा ऊपर से मेल्टेड डाल दूंगी जिससे कि ये विक जो है इसमें स्टेडी हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही ये देखिए अच्छा लगता है। बस ऐसे ही मैंने इसके ऊपर भी थोड़े से ये डाल दिए हैं, और ये हमारे जो है कैंडल्स रेडी हैं। मैं एक्स्ट्रा विक्स जो है काट रही हूँ, और अब ये देने के लिए गिफ्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाइस ये मैंने जो है प्लेटर तैयार कर लिया है। आप इसमें कुछ और भी बड़ी ट्रे ले सकते हैं जिसमें आप कुछ खाने पीने का भी रख सकते हैं। आप इनको जो है ना डबल टेप के साथ स्टिक ऑन कर सकते हैं और किसी को आराम से गिफ्ट दे सकते हैं। एक दिया मैंने जलाया है, बाकी के मैंने अभी नहीं जलाए हैं जो कि मैं दिवाली पर जलाऊंगी। आप भी इनको जरूर ट्राई करिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने दूसरी वैक्स से तो कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ जेली वैक्स से बनाया है, उसका मैं वीडियो फिर लेकर आऊँगी और जल्दी लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि दूसरी पैराफिन वैक्स से भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सो गाइस बस इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स को अपने रिश्तेदारों को सबको गिफ्ट करिए, और खुद भी अपने लिए भी जरूर बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में फिर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।